मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ मुरूड़ की तरफ। घर वर हैं तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे लोग हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक नई सी वीडियो में। तो अभी मैं हूँ काशिद में, तो कल रात ज़्यादा हो गई थी तो यहीं पे आ करके एक होटल था, घर का ही होममेड खाना मिलता था, आंटी बनाती थी तो वहीं खाना खाया और फिर यहीं पर टेंट अपना लगा लिया था। इधर पीछे साइड अपने इधर टेंट लगा हुआ था, उधर मुनिंगा लगा हुआ टेंट उस साइड, और क्योंकि एक पास स्पेस नहीं थी उस तरफ, थोड़ा सा ऊंचा नीचे था तो मैंने इधर लगा लिया। ये शेडो भी थी और ये पक्का भी बना था। तो अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से सामान वामान पैक करके फिर निकल पड़ते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए। और आज देखते हैं कहाँ तक की जाना है और चलते हैं। अभी मौसम ठंडा है, कल रात में बहुत ज़्यादा ठंड हुई यार, ठंडी लग रही थी मेरे को, अभी भी ठंडी ठंडी सा मौसम हो रहा है। जितने ऊपर जाएंगे पहाड़ों पे उतनी ज़्यादा ठंड पड़ने लगेगी। सो गाइस, मैं अभी जा ही रहा होता हूँ, देखिए मेरे को कितना प्यारा सा नज़ारा दिख जाता है, तो मैं उसको देख करके रुक जाता हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा सा बीच है और इधर पूरा समुंदर की लहरें आ रही हैं और इधर ये बैलगाड़ी चल रही है भाई, बहुत ही भयंकर तरीके से। ये देखिए क्या रेस हो रही है, शायद रेस हो रही है भाई, हाँ रेस हो रही है शायद। और लहरें देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी आ रही हैं भाई, बहुत बड़ी बड़ी सी लहरें हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है और अभी थोड़ा सा एंजॉय करते हैं व्यू को। और आज जो जाने वाले हैं हम लोग मुरूड़ की तरफ ही, एक मुरूड़ के आगे रायगढ़ है, रायगढ़ की तरफ जाने वाले हैं। भाई निकल गया क्या? हाँ भाई उधर पहुंच गया ब्लॉगिंग करते करते। गुड मॉर्निंग अभय जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपके साथ में हूँ और हम काशिदवासी। अच्छा, काशिदवासी। तो जी अभी मेरे को कुछ भैया लोग मिले तो हेलो हेलो महाराष्ट्र से हम। हेलो, अच्छा अच्छा महाराष्ट्र नासिक से। अच्छा, तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, अच्छी चीज़ के लिए घूम रहे हैं आप। थैंक यू सो मच, हमें कल भी दिखे थे आप तो। अच्छा, ऐसे इच्छा हुई कि आपसे मिलना चाहिए, दो मिनट बात करनी चाहिए। थैंक यू, दो मिनट रुके। सो गाइस, अभी मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ मुरूड़ की तरफ, अभी मुरूड़ यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा तेज मेरे को भूख लग रही थी, मैंने सुबह जो है मैगी बना के रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था आगे खाना महंगा भी होगा प्लस इतना नहीं हो पाता, तो मैंने मैगी बना ली थी कि यही जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। और रास्ते में मुझे ये छांव दिखी, ये पेड़ वगैरह था, तो इधर ही पेड़ था तो इधर ही मेरी अपनी मैगी बनी रखी हुई है टेस्टी सी, तो इसी को खा लेता हूँ और फिर पानी वानी पी करके आगे की तरफ चलते हैं और पहले इसको फिनिश करते हैं, बाकी की बहुत ज़्यादा तेज भूख लगी है यार। और अपनी साइकिल भाई इधर खड़ी हुई है। इधर से मैं आया ना तो मेरे को एक घाटा हुआ कि चढ़ाई मेरे को बहुत मिल रही है, पर फ़ायदा भी है क्योंकि इतने अच्छा अच्छा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है। और रोड के साइड में देखिए पेड़ ही पेड़, कितना अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर आ रही है, बगल में समुद्र। यार अभी एक पेट्रोल पंप आया, देखता हूँ यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, पानी की सुविधा हो तो अपना काम हो जाएगा। तो अभी ये लोकल मार्केट है मुरूड की, यहाँ पे फिश वगैरह मिलती है, यहाँ की फिश जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है ऐसा। तो मुझे पीछे लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ बहुत फेमस है फिश, उसको ट्राई करना, पर मैं तो वेज था तो कल के तो कोई बात ही नहीं है। और अभी भी जजीरा फोर्ट जो है 2-3 किलोमीटर और बचा हुआ है। तो जिस चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मेहनत करके इतनी दूर से साइकिल चला करके आए, फाइनली वो जगह और वो नज़ारा आ चुका है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा नज़ारा है, ये रहा अपना समुद्र और वो रहा उधर किनारा, वहाँ से बोट पे लोग बैठ करके इस तरफ आते हैं जंजीरा फोर्ट की तरफ, और इधर से भी आ सकते हैं। मैं भी इसी तरफ से जा रहा हूँ पर मैं जंजीरा फोर्ट शायद ना जाऊँ, क्योंकि शायद मैं जंजीरा फोर्ट ना जाऊँ क्योंकि यार बोट से उधर जाना पड़ेगा, बोट कॉस्टली है, उसे पैसा ज़्यादा लगेगा, पहले चल करके पता करते हैं। टिकट ही होता तो शायद मैं अफोर्ड कर सकता था, पर बोट से जाना पड़ेगा तो नहीं हो सकता, पर बाहर से ही नज़ारे के मज़े ले लेंगे। तो अभी फोर्ट के अंदर, फोर्ट बता रहा हूँ, अंदर की तरफ आ गया हूँ और इधर से टिकट वगैरह मिलते हैं और सामने से मिलेंगी बोट्स जो कि अपने को ले जाएंगी जंजीरा फोर्ट, जहाँ अपने को नहीं जाना है। मनी भाई आ रहा है भाई, वो पैसा उसका अर्निंग आ रहा है, पैसा आ रहा है, अपन गरीब का नहीं आ रहा है तो अपन, मैं तो नहीं जाने वाला। बाकी यहाँ से मैं मज़े लेने के लिए आया हूँ, साइकिल बाहर खड़ी करके उधर की तरफ आ गया हूँ और वो रहा उधर जंजीरा फोर्ट।
और अंदर जाना सही भी नहीं है। अभी मैं आया इधर तो मनी भाई जाने वाला था, उसने बताया कि अंदर भी कुछ खास नहीं है, मतलब नॉर्मल ऐसे ही है। तो और फोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा घूम लिए हैं और डेली एक ही चीज़, क्योंकि समुंदर के बीच में वो भी है, तो कल भी हम लोग समुंदर के बीच वाले में गए थे, अभी आगे और भी हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं यार, पैसा वैसे भी वेस्ट होगा और मैं वैसे भी नहीं जाने वाला था। तो काफ़ी अच्छा रहा, अगर मैं प्लान बनाता और जाने को फिर कैंसिल होता तो मूड और ख़राब होता। तो यार बस निकला ही बाहर, फिर से मिल गई चढ़ाई। और यहाँ से भैया लोग कुछ लोगों से पूछा, बता रहे हैं कि ये आगे से फेरी जाती है जो कि अपने को 20-25 किलोमीटर कम कराएगी। तो अभी अगर डंडा की तरफ आ गए हैं, अगर डंडा या शायद अगर डंडा ही नाम है इस जगह का। और ये एक तरीके से देखिए बीच है, और यहाँ से ये बोट का पॉइंट है, इस कोने से आपको दूसरी तरफ जाना है, तो इसी इधर से ही बोट जाती है जिससे लोग इधर से उधर जाते हैं। तो अभी अपना प्लान यही है कि इस बोट से उस तरफ जाएंगे, बस भगवान किराया कम रखना अगर ज़्यादा हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा पक्का है। मैं फिर क्या करूँगा, मनी भाई से कहूँगा तुम भाई चले जाओ इधर से, मैं रोड से आ जाऊँगा, भले मेरे को 20-30 किलोमीटर ज़्यादा पड़ जाए, नहीं आना मेरे को भाई। और इधर ये लगी हुई है डिग्गी क्वीन लिखा हुआ है, ये बोट है, ये बोट, और वो देखिए वो उधर से आ रही हैं, ये सारी बोटें उस तरफ उस कोने में ले जाती हैं। और अभी भरी नहीं है, पता नहीं ये ले जाएगी अभी या देर में ले जाएगी, पर देखते हैं। अभी भाई गया हुआ टिकट पे काउंटर पे पता करने की टिकट कितने का है और कहाँ में मिल रहा है। तो ठीक है, अभी मैं यहाँ पर वेट करता हूँ और नज़ारे का मज़ा लेता हूँ। भाई देखो जितनी दूर तक की देखो समुंदर ही समुंदर दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा यार यहाँ पे। यार मैं अभी यही खड़ा था और मेरे को अंकल जी मिले, तो मैंने इनसे पूछा कि यही बोट जाएगी, बता रहे हैं ना अंकल यही बोट जाएगी ना, और टिकट कितना अंकल? 30 रुपये। तो 30 रुपये टिकट है, और साइकिल का अलग पड़ता होगा ना, 10-20 रुपये होगा साइकिल का भी। हाँ। तो अपना 40-50 रुपीज़ में काम हो जाएगा। और डिग्गी उस तरफ है ना अंकल जी? हाँ उस तरफ डिग्गी। अच्छा, तो यहाँ पर लोग मतलब काफ़ी लोग घूमने में आते हैं, लोग इधर घूमने में काफ़ी लोग आते होंगे ना? बहुत आता है। आप यहीं से? अगर डंडा से? इधर से भी आता है, इधर से भी जाता है। अच्छा, तो अंकल जी ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू अंकल। मैं सोच ही रहा था यार ऐसा रहो 200-300 रुपये पड़ते हो, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती, पर अंकल ने मेरी जान में जान लाई बताया 30 रुपीज़, मैं बहुत खुश हो गया। थैंक यू अंकल इतनी अच्छी खुशखबरी देने के लिए। तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं टिकट काउंटर किधर है। अच्छा यहीं पर काटेंगे। अच्छा तो टिकट भी यहीं से मिलेगा, तो ठीक है अभी वेट करते हैं और जैसे ही बोट खुलने वाली होगी निकल चले। अच्छा कहीं इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ठीक है अभी टिकट कटवाते हैं और फिर निकलते हैं डिग्गी की तरफ, और डिग्गी है उस तरफ। तो जी अपनी साइकिल एंटर कर गई है इसके अंदर और पार्किंग एरिया में जा रही है। मनी भाई तो पहले पहुंचा है। ₹90। अच्छा सॉरी। अभी अपनी साइकिल बोर्ड पर आ चुकी है देखिए, और अभी डिग्गी की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। और यहाँ से ज़्यादा टिकट नहीं है, 90 रुपीज़ साइकिल, 90 रुपीज़ दो बंदों का पड़ा हुआ है साइकिल और अपना दोनों का, मतलब चार लोगों का 90 रुपीज़। तो ठीक है 45 रुपीज़ में पहुँच जाएंगे, 30 रुपीज़ वो 15 साइकिल का। समुद्र का नज़ारा देखिए मज़ेदार है। तो भाई अपनी बोट जो है निकल चुकी है और साइकिलें खड़ी हुई हैं, दो साइकिल जा रही हैं, तो फौरन से आए हुए दो लोग साइकिल जो खड़ी हुई। डिग्गी
पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं किनारे बोट के, और इधर ये बीच में एक बोट जा रही है, ये भी कुछ इसमें देखिए फ्लैग लगे हुए हैं, कौन सी कंट्री के हैं अपनी, एक तो इंडिया फ्लैग है, बाकी ये तीन कौन सा नहीं पता। एक छोटी सी ये बोट पता नहीं कैसे तैर रही है इधर बीचों बीच में, खो गई है लग रहा है। बस पहुँच गए हम लोग किनारे पर, अब टाइम आ चुका है अपनी साइकिल को ऊपर लेके चलने का, तो अभी चलते हैं फटाफट ऊपर की तरफ। बोट से उतर गए थे और अपने को कुछ फॉरेनर्स फ्रेंड भी मिले जो कि साइकिलिस्ट थे, जो अपना इंडिया भी अभी घूम रहे हैं, जर्मनी से थे, तो अभी वो लोग दूसरी तरफ चले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा साइकिलिस्ट मिले। और अभी मैं गोवा वाले हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, वो मेन हाईवे है ना, तो उस हाईवे से जल्दी पहुँचेंगे, थोड़ा सा 500 किलोमीटर है पर 500 किलोमीटर भाई, तो 500 किलोमीटर कवर करेंगे। और सोच रहे थे कि न्यू ईयर वहीं पर मना लेंगे, पर ऐसा नहीं हो सकता, 500 किलोमीटर न्यू ईयर से पहले मुझे तो लगता नहीं हो पाएगा कवर। गाइस मैं जो है ना, सुबह तो मैंने मैगी खाई थी भाई, बनाया था, तो अपना काम मैगी से हो गया था 20 रुपये से, क्योंकि अपने पास वो ब्यूटेन गैस था है थोड़ा, तो उसी से बना लिया। अब ख़त्म होने वाला है ब्यूटेन भी, यहाँ कहीं मिलता भी नहीं है यार। और फिर जानते हैं अपना बजट वाला प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसीलिए भूख लगती है तो अपना ये वेस्ट बैग में रखते हैं बिस्किट, ये पार्ले जी यही साइकिल चलाते हुए खा लेता हूँ, क्योंकि तो थोड़ा इससे भूख भी नहीं लगती है, थोड़ा सा अच्छा होता है तो, और सस्ता भी होता है, तो अपना यही बिस्किट खाते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो भाई साहब देखिए कितनी तेज़ साइकिल से टायरों की आवाज़ आ रही है, इतनी स्पीड में साइकिल है, क्योंकि ढलान आई है, कितनी ज़्यादा चढ़ाई थी, उस चढ़ाई को क्रॉस करने के बाद फाइनली ये मेरे को ढलान मिली, फिर देखना चढ़ाई मिलेगी यार, यही बेकार लगता है यार, तो सिर्फ प्लेन दे दो, चढ़ाई ढलान मेरे को नहीं चाहिए यार। जैसा कि मैंने बोला तो फिर से आ गई चढ़ाई, ये देखिए आ गई चढ़ाई। तो गाइस अभी जो है मेन हाईवे से जा रहा था, पर प्लान में थोड़ा सा चेंजेस आया, इधर गांव वाले एरिया से ही निकलेंगे रत्नागिरी होते हुए, और आगे से हीरा सीरी करके एक जगह है, वहां से फेरी जाती है, तो उससे हम लोगों का काफ़ी रास्ता कम पड़ेगा, तो उस फेरी से ही ट्रांसफ़र मारेंगे उस तरफ। तो अभी चलते हैं इधर की तरफ, इधर ज़्यादा पास पड़ेगा, तो यही रास्ता है। और हाईवे पे जो है ना मज़ा भी नहीं आएगा, प्लस इतनी धूप होगी तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा लगनी है, तो इसीलिए ये वाला रूट चूज़ किया है, और अभी इसी रूट पे चलते हैं। यार ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अब अंदर से बिल्कुल हिम्मत नहीं बची भाई चढ़ाई चढ़ने की। यार ये जंगल वाला है पूरा एरिया है, और कोई भी नहीं है रोड पे, अकेले मैं ही चल रहा हूँ, मनी भाई भी पता नहीं कहाँ निकल गया यार, आगे ही निकल गया यार वो पता नहीं कहाँ पे। अब मैं छः बज चुके हैं, और मैं सोच रहा हूँ आगे गांव है, मैं वहीं पे आज टेंट लगा लूँगा कहीं पे देख करके जगह, क्योंकि भाई अब और आगे नहीं जाऊँगा यार, सेफ भी नहीं रहता है और अंधेरा भी है ना। तो अभी एक अंकल पीछे से आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारा एक दोस्त पीछे है, उसने बोला है कि मेरा फ्रेंड आगे जा रहा होगा, उससे बोलो कि रुके, तो मेरे को लगा मनी भाई आगे निकल गया, पर वो अभी पीछे ही है, पता नहीं कैसे भाई पीछे रह जाता भाई, वो आगे निकल जाता है बल्कि, और फिर वो पता नहीं कैसे पीछे हो जाता है भाई। तो अभी मैं वेट करता हूँ, पहले तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा चलता रहता हूँ, 3 किलोमीटर पर रुकना है आज मेरे को, मैं जगह ढूंढता हूँ तब तक कि वो पीछे भी आ रहा होगा, क्योंकि एरिया सुनसान है यार, जंगल वाला है, रुकना सेफ़ नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए चलते रहते हैं। दोस्तों अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं थोड़ा सा आगे आ करके, जैसा कि मैंने बताया था आगे एक जगह है जहाँ पर घर वर हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर लोग हैं, यहीं पर एक ढाबा दिखा मेरे को, और मेरे को लगी थी भूख, और आगे जा कर क्योंकि खाना पड़ता और कुछ महंगा पड़ता, तो यहाँ पर सस्ता सा मिल जाए, ये मिसल पाव जो कि बहुत, ये मिसल पाव खाते हैं और पेट को भरते हैं, और क्योंकि सुबह मैगी खाई थी ना, तो खाना इस टाइम तो कुछ खाना पड़ेगा सही से, इसलिए अब ये खा लेते हैं और पेट को भरते हैं, और फिर चलते हैं आगे के लिए, कुछ जगह ढूंढते हैं आज रुकने के लिए।
दोस्तों अभी अपना टेंट वेंट लग गया है जहाँ पर होटल में खाना खाया था, तो वहीं पर आंटी से बात करके नहाने का भी अरेंजमेंट हो गया। काफ़ी 2-3 दिन बाद नहाया है यार, बहुत मतलब फ्रेश फील हो रहा है। और अभी अपना टेंट इधर ही लग गया है, यहाँ पर एक दुकान वगैरह है तो ये लग गया, अभी दिख नहीं रहा जैसे सुबह दिखेगा। साइकिल इधर ही खड़ी कर दी है और सुबह निकलेंगे इधर से गोवा की तरफ और अब मेन हाईवे पर चले जाएंगे और खाना वाना भी खा लिया। तो ठीक है जी, अभी टेंट के अंदर चलते हैं और सोते हैं, और ठंड भी है इस तरफ काफ़ी ज़्यादा। और इधर कोई डॉग बंद है, वो भौंक रहा है बहुत देर से, इस साइड कोई बंद है। तो ठीक है जी, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, जय हिंद जय भारत।